हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो है विंटर फेस सीरम। मैं इसे बनाऊंगी एलोवेरा जेल से। मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी बादाम का तेल। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुलाब जल, ग्लिसलिन और विटामिन ई की कैप्सूल। मैं यहाँ पे एक कैप्सूल यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक कांच की कटोरी ले लीजिए। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चम्मच पूरा एलोवेरा जेल ले लूँगी। मैंने यहाँ पे एक चम्मच एलोवेरा जेल लिया हुआ है। अब मैं इसमें आधा ढक्कन बादाम का तेल यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुलाब जल। गुलाब जल मैंने यहाँ पे एक चम्मच लिया हुआ है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ग्लिसलिन। ग्लिसलिन मैंने आधा चम्मच लिया हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी विटामिन ई की कैप्सूल। इसको किसी पिन से आप इसको छेद कर दीजिए और इसका पूरा ऑयल आपको निकाल लेना है। गाइस, विटामिन ई के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप इसे ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर पूरा इसको ऑयल निकाल लिया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे तब तक आपको मिक्स करना है जब तक इसका एक क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए, तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, आप अच्छे से मिक्स हो गया ये। आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। मैं इसको एक कांच की बॉटल में जो है इसको रख लूँगी। 15 से 20 दिनों के लिए आपको इसे स्टोर कर लेना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं या आप ऐसे भी इसे बाहर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो गाइज, मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है। अपना फेस वॉश करने के बाद आपको इसे अच्छे से अपने फेस पे मसाज करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से गाइज इसको आपको मसाज करना है। तो आपको इसे मसाज करने के बाद ओवरनाइट छोड़ देना है और अगले दिन आपको वॉश कर लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो गाइज, आप देख सकते हैं कितने कम सामानों में हमने एक बहुत सिंपल होम रेमेडी बना ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। गाइज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।